ने केस की तहकीकात में बड़ी गिरफ्तारी। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ साफ पानी कंपनीज केस में पेश हुए, आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिए गए। नैब हुकाम जिस्मानी रिमांड के लिए आज शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। नैब दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी सख्त, पुलिस और रेंजर्स तायुना। शहबाज शरीफ पर क्या इल्जामात, क्यों गिरफ्तार हुए? नैब हुकाम ने गिरफ्तारी की वजूहत जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद के साथ मिलकर लतीफ एंड सन्स का ठेका मंसूख किया। बिस्मिल्ला कंपनी को नवासने के लिए आशियाना मंसूबे का ठेका दिया गया। 2000 कनाल से ज्यादा दराजी का फायदा ठेकेदार को पहुँचाया गया। शहबाज शरीफ के इकदाम से कौमी खजाने को नुकसान हुआ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्देअमल, कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि मज़हका खेज भी है। आलमी इदारों ने खादिमे आला की खिदमत का इतराफ किया। पीटीआई हुकूमत इस बदतरीन इंतकाम की जिम्मेदार है। करप्शन फ्री पाकिस्तान का अज़्म किया है, हर लुटेरे की बारी आएगी, सबको कानून के सामने जवाब दे होना पड़ेगा। शोर करने का फायदा नहीं, अभी तो सिर्फ एक कहानी सामने आई है, हर मंसूबा करप्शन में डूबा हुआ है। सीनियर सूबा वजीर अब्दुल अलीम खान का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। नैब के साथ गठजोड़ करके गिरफ्तारियों का शौक पूरा कर लें। हवा में मौलिक लूली लंगड़ी हुकूमत इलेक्शन से खौफ ज्यादा है, दिलों में छुपा हुआ बुग्ज बेनकाब हो रहा है। गिरफ्तारियों से धांधली ज्यादा हुकूमत नहीं छुप सकती। बाबर आवान, जुल्फी बुखारी और अलीम खान को कोई नहीं पूछता, ये खेल तमाशा नहीं चलेगा। हमजा शहबाज बोले, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हजम नहीं होने देंगे। आशियाना इकबाल स्कैंडल, फवाद हसन फवाद ने सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया। मियां साहब आपने जो कहा मैं वही करता रहा। फवाद हसन फवाद का शहबाज शरीफ से मुकालमा, तमाम इजलास शहबाज शरीफ की जेर सदारत होते थे, अहकाम भी वही जारी करते थे। फवाद हसन फवाद ने तहरीरी बयान लिख दिया। नैब जराए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कारकुन बरहम, नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज, ठोकर न्याज बेग रोड को ब्लॉक कर दिया। भाटी चौक में मतवाले सड़कों पर आ गए, टायर जलाकर शदीद नारेबाजी। मॉडल टाउन में लीगी कारकुनों का मुजाहिरा, शाहदरा में भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने मुजाहिरा किया। आशियाना हाउसिंग स्कीम के नाम पर गरीब लोगों से फ्रॉड किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सबूत है कि मुल्क में कानून का बोलबाला है। डॉक्टर यास्मिन राशिद, आवाम को खुशखबरियां मिलने का मौसम शुरू हो गया। साबिक हुकूमत के दीगर करप्ट नासिर भी जल्द जेल में हो गए। फयासुल हसन जहान, पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब के नाम पर गिरफ्तारियां इमरान खान को महंगी पड़ेंगी। ज़मीनी इलेक्शन में चंद सीटें हासिल करने के लिए हमें घेरा डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर खुशियां मनाने वाले वुज़रा कल रोते नजर आएंगे। ख्वाजा साद रफीक का इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासत की तबाही और मुल्क के लिए बदकिस्मती है। राना सनाउल्ला ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। परवेज मलिक बोले, मुहिब्बे वतन सियासतदान की गिरफ्तारी लम्हा फिक्रिया है। उज्मा बुखारी कहती है खादिमे आला की गिरफ्तारी 25 जुलाई की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस, मुलजिम मारगुलजार एहतसाब अदालत में पेश। मुलजिम ने 5000 से ज्यादा फाइल्स फरोख्त की। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाल, अदालत ने मुलजिम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 15 अक्टूबर को दोबारा पेश होने का हुक्म।
कागजात नाकिस काम मुआहिदों की अदम तकमील पंजाब की 55 कंपनीज ब्लैकलिस्ट तालीम सेहत पुलिस रोड पानी और दीगर मंसूबों पर काम करने वाली कंपनी शामिल है। ब्लैकलिस्ट कंपनियों में एमएस लिंकर्स एशिया एमएस गुल एंटरप्राइजेस भी शामिल है। पेट्रोल पंप साइट्स की नीलामी का मामला एलडीए का शहर के 22 पेट्रोल पंप साइट्स सील करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पंप सील करने के लिए 11 टीमें तश्कील डीजी एलडीए के आज ही तमाम पंप सील करने के अहकामात। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करोल घाटी में 18 करोड़ रुपए मार्केट के 43 एकड़ अरासी बाकुजार करा ली गई। सरकारी अरासी पर आलू मकई और दीगर फसलें काश की गई थी मजाहमत करने पर दो अफराद से हिरासत। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी अलामा इकबाल रोड गड़ी शाहू बाजार धर्मपुरा दारोगावाला में मुताद तजावुजात मिसमार पथाड़े शेड साइन बोर्ड को गिराने का अमल जारी दारोगावाला में ऑपरेशन के दौरान बिजली की तारें टूट गईं ट्रांसफार्मर फटने से जोरदार धमाका अमला बाल बाल बचा वजीर आला का तजावुजात के खिलाफ मुहिम में गरीब और आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस रेडीबान और मेहनतकशों को तंग न किया जाए वजीर आला की हिदायत। हेलमेट और बैक मिरर ना लगाने वाले पुलिस एहलकारों और वारंट्स के चालान और महकमाना कार्रवाई का हुक्म कानून शिकनी करने वाले चंद पुलिस एहलकारों को घर भिजवाकर दूसरों के लिए मिसाल बनाएं। कानून पर अमल दरामद से सर पर चोट लगने की शरह में 50% कमी आई जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने पर पाबंदी का जल्द हुक्म देंगे अदालत। आटे और दाल के बाद चिकन की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी दुकानों पर ब्रायलर गोश्त 191 रुपए फी किलो हो गया चिकन की कीमत डबल सेंचुरी से ऊपर जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब की जिले सदारत इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इजलास चौधरी सरवर का कहना है कि मामलात के हल के लिए जामियात को इख्तियार दिए जाएंगे। पीसीबी इंटर स्कूल वेमेन इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकी की टीम ने मैदान मार लिया लाहौर ग्रामर स्कूल की टीम 67 रन पर हिम्मत हार गई। डोप टेस्ट कवानीन के खिलाफ वर्जी क्रिकेटर अहमद शहजाद को सजा सुनाई गई डोप टेस्ट मुस्बत आने पर अहमद शहजाद पर 4 माह की पाबंदी आए अहमद शहजाद को कुछ अरसा कबल क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया था। और मारूफ भारतीय सहाफी कुलदीप नायर की आखिरी रसूमात बाकियात दरियाई रावी में बहा दी गई कुलदीप नायर की पोती मंद्रा नायर और एतजाज एहसन समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत।